हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो बात यदि हमारी स्किन की है, हमारी त्वचा की है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे में जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो पैराबिन फ्री है? क्या वो सल्फेट फ्री है? तो क्या है ये पैराबिन और क्या है ये सल्फेट, आपको पता है इसके बारे में? तो यदि आपको पता नहीं है तो आज मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो पैराबिन होता है वो आम तौर पर अधिकतर जो भी कॉस्मेटिक होते हैं उनमें मिलाया जाता है, और इसका मुख्य जो कारण है मिलाने का, ये उसमें बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है और उसकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को ये बढ़ा देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्किन के लिए बहुत नुकसान देता है पैराबिन। और आम तौर पर जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, बॉडी लोशन है, या फिर आई शेडो है, या लिपस्टिक है, सारे जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं उनमें सब में पैराबिन को मिलाने का यही कारण होता है कि वो उसमें जल्द से जल्द बैक्टीरिया नहीं पनपने देता है और प्रिजर्व करने का उसे उसका काम होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे ऐसा भी बोला गया है पैराबिन के लिए कि महिलाओं के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर का कारण भी बन सकता है। ऐसा अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, और स्किन कैंसर भी इससे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि पैराबिन एक प्रिजर्व करने का काम करता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं उनमें ये प्रिजर्व करने का काम करता है, उनमें जल्द से जल्द बैक्टीरिया ना पनपे, इसीलिए पैराबिन उनमें मिलाया जाता है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़िए, और यदि उसमें पैराबिन आपको मिलता है तो आप उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ना खरीदिए, क्योंकि अगर आप पैराबिन युक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। आप सभी को बताऊँगी कि सल्फेट फ्री या सल्फेट से युक्त जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं वो क्यों नुकसानदायक हैं। और मैं आप सभी को बताती हूँ, हर वीडियो में जिस भी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करती हूँ तो उसमें आमतौर पर आपने सुना होगा पैराबिन फ्री सल्फेट फ्री शैम्पू ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये सल्फेट क्या है? ये सल्फेट असल में दोस्तों सबसे ज़्यादा शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट के अंदर मिलाया जाता है, और भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये मिलाया जाता है। शैम्पू में दोस्तों लॉरेल सल्फेट मिलाया जाता है, जो कि शैम्पू के अंदर झाग बनाने का काम करता है, और साबुन के अंदर भी ये झाग बनाने का काम करता है। तो जो शैम्पू सल्फेट युक्त हैं वो शैम्पू आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके बालों की नमी को सोख लेता है, ड्राई बना देता है आपके बालों को, आपके स्कैल्प को इचीनेस से भरपूर कर देता है, इचीनेस से भर देता है, और इससे आपको डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, और थोड़े दिनों बाद ही आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ कारण ये होता है कि इसके अंदर सल्फेट होता है, और सल्फेट मुख्यतः झाग बनाने का काम करता है प्रोडक्ट के अंदर। आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट में हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा ये झाग बना रहा है तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। जिस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा झाग बनते हैं वो प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें सल्फेट ज़रूर से होगा, क्योंकि झाग ज़्यादा जिस प्रोडक्ट में आएंगे उनमें आप 100% ये श्योरिटी मान लीजिएगा कि उसमें सल्फेट है। तो दोस्तों, सल्फेट का मुख्य काम यही होता है कि प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर वो झाग बनाने का काम करता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अब आप जो भी प्रोडक्ट लें उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपको उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ना है, और उसमें देखना है कि पैराबिन सल्फेट तो उसमें नहीं है। तो अगर उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप उन प्रोडक्ट को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, और वही प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हम लाएंगे तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, और आपकी स्किन, आपके बाल हेल्दी रह सकते हैं।
तो दोस्तों लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पैराबिन और सल्फेट से बने हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उनके इंग्रेडिएंट्स आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, और अगर ये दोनों चीज़ें उस प्रोडक्ट के अंदर हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, क्योंकि ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो शैम्पू का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, क्योंकि उस समय शैम्पू इतना होता भी नहीं था, लेकिन वो उनके बाल बहुत ज़्यादा घने और लंबे और मज़बूत हुआ करते थे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सल्फेट वाले शैम्पू ने कदम रख लिया। तो सल्फेट वाले शैम्पू का इस्तेमाल करने से लोगों को काफ़ी सारी समस्याएँ बालों की झेलनी पड़ती हैं, तो ऐसे में अभी जो मार्केट के अंदर पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री वाले जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उन्हें आप ज़रूर यूज़ कीजिए और उन्हें ही आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आपको आज की मेरी ये जानकारी, छोटी सी जानकारी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों।